वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। IUPS RRB PUP का 12th सितंबर यानी आज के दिन जो डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम संपन्न हुई उनके मैंने काफी क्वेश्चंस लिए हैं, स्पेशली नंबर सीरीज के 3 शिफ्ट्स के 15 क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत शानदार हैं, दूसरे एग्जाम और इसके दूसरे शिफ्ट में बहुत मदद मिलेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 शिफ्ट्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। कुल मिलाकर के ये एक बड़ा एपिसोड है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के इस बड़े मेगा एपिसोड से आप सबों को काफी मदद मिलेगी। अप्रोच एग्जाम में आप जानते हैं अलग ही होना चाहिए, अलग ही तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये सब कुछ आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए मिसिंग नंबर सीरीज है, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और बड़ा नंबर तो कुछ कहता है टाइम्स। जब टाइम्स का समझ में आ गया तो यहां पर हमारा ध्यान गया और हमें रूल ही समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि ×8 होना चाहिए, ×10 होना चाहिए, 8×70 बोलेंगे 560 एंड 12 576, और ये बताता भी है कि 10 टाइम्स ये है। बोलिए ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला सवाल, इसका स्लोप क्या कहता है, टाइम्स तो नहीं हो रहा, समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो पूछते हैं क्या है, तो ये -14 है और ये क्या है प्लस 66 से 86 होता तो 20 होता तो ये 19। आगे माइनस करने में दिक्कत होती है तो इधर से सोच लीजिए, प्लस तो समझ में आ रहा है 74 तो -14, यहां पर देखिए +19, यानी ये बहुत आसान सीरीज है, -14 +19 -14 +19 यानी -14 होना चाहिए, दैट मीन्स कि यहां पर क्या होना चाहिए 76 होगा ना। बोलिए देखिए इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप आप गौर कीजिए, बहुत कम एडिशन सब्ट्रैक्शन में, पूछते हैं तो ये क्या है +12। ओके ये नहीं मालूम, इधर से यस मालूम 24 तो -24, यहां पर प्लस था यहां पर माइनस, फिर प्लस तो कितना 36। आप क्या देख रहे हैं 12 का एक तरह से टेबल है, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा बोले, लेकिन अल्टरनेटली साइन प्लस माइनस। रूल्स हम लोग नहीं बनाते, रूल्स होते हैं, हमें सिर्फ उन रूल्स को पकड़ना होता है। इसका मतलब 44 हटा दीजिए, बाकी 4 यानी 496, और चेक भी कर लीजिए +60 तो यस देखिए 456 ठीक है, यानी 496 इज आंसर। एक बार देख लीजिए इसको, स्लोप देखिए क्या है, लगातार डिक्रीज कर रहा है पर बहुत कम से, यानी टाइम्स का सवाल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये -2 है ठीक है, ये क्या है -5 है। ओके यहां पर क्या है -10 है, -10 है तो क्या सीरीज, इधर देखिए
116 है तो माइनस 17 है। तो देखिए ये 2, 5, 10, 17 यहां तो समझ में नहीं आ रहा है, साइन को छोड़ दें तो प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 7 है, ये 3, 5, 7 है। इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए, आगे दो लाइन जाते हैं ऐसे 3, 5, 7 तो ये 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए तो ये 26 होना चाहिए, यानी कि 90 आंसर है। बोलिए ये बनता है कि नहीं। ये एक लाइन है लेकिन ये ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, मेमोरी बेस्ट है, ऑप्शन होने से आपको समझ में आएगा क्या है। दूसरा लाइन ये है कि ये प्राइम नंबर भी हो सकता है, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 यानी प्लस 11 हम कर दें, अगर यहां पर प्लस 11 कर दें तो इसका मतलब यहां माइनस 28 होता और माइनस 28 होता तो 88 होता। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या है, क्योंकि दोनों ही सही है, दोनों रिजल्ट सही है। जल्दी बोलिए ये होगा कि नहीं, 88 है तो ठीक है, मतलब ऐसा है कि ये प्राइम भी जा सकता है और ये भी जा सकता है, ये ऑप्शन आप देखेंगे क्या है उसके आधार पर तय करेंगे। ठीक है, कभी कभी एक जो सीरीज है उसके एक से अधिक रूल भी होते हैं, सेम आंसर होता है, अलग अलग आंसर होता है तो आपका नन ऑफ दीज होगा या फिर वो जो डिमांड करेगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। स्लोप बहुत कम तो है लेकिन तीखा है और यहां डेसिमल 2 प्लेसेस पर है, इसके बाद ये लेस भी हो रहा है पर आगे कभी लेस नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो है। क्या हाफ, इन जनरल क्या होता है इसको हाफ कर देते हैं तो देख के लग रहा है कि हाफ होगा नहीं, फिर वन करेंगे तो 0.5, 1.5 तो नहीं कर सकते, नहीं है, इंटू 1.5 करेंगे तो 1.5 आता है तो इंटू 1 करेंगे तो 1 आना चाहिए ना, 2, 4, 5 ही नंबर की सीरीज है, यही चैलेंज है। 6 नंबर होता ना एक और तो एकदम क्लियर था और यही चैलेंज है, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि हाफ तो लग नहीं रहा, इंटू 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 2, 5, 5, -2 सोचिए इंटू 4, 8 ये भी सीरीज जाता है लेकिन नंबर आपको बताता है कि नहीं, इंटू 3 यानी 9, -3 ये तो जबरदस्त है, इंटू 4, -4 यस ये बहुत अच्छा सीरीज है जो एग्जाम में आया, इंटू 5, -5 यानी कि 95 इज आंसर। बोलिए बहुत बढ़िया सीरीज है कि नहीं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 20, 12, 14, 23, 48 अप्स डाउन्स हैं, लेकिन कहां अप्स डाउन्स हैं, सिर्फ यहां पर है, इसके आगे कहीं नहीं है और ये रिमार्केबल बात है। यहां थोड़ा तीखापन है, लगता है प्लस 25 5 स्क्वायर हो, थोड़ा देखिए यहां भी लग रहा है, देखिए 93 स्क्वायर हो लेकिन यहां तो नहीं लग रहा है, हमारे बोलने से नहीं होता, इन 2.5 यानी 10 + 2 इंटू 0.5 इंटू 1 + 2 इंटू 1.5 यानी 21 + 2 ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था, इंटू 2 + 2 इंटू 2.5 + 2 4 निकाल दीजिए 10 हो जाए 12 से 120 और 122
चालू हो जाए जल्दी जल्दी, होगा कि नहीं? मतलब इससे 4 निकाल दीजिए, इसको दे दीजिए 10, 12, 120 प्लस 2, 122. अगला क्वेश्चन देखिए क्या है. हम लोग देख रहे हैं स्लोप तो क्लियर है, ये तो बताता है स्लोप. इसका मतलब ये है, जरा देखिए कि कहां देखिए, यहां पर देखते हैं इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 40 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, तो रूल तो क्लियर है. इंटू 4 प्लस 4 129 का तो पहाड़ा ही नहीं आता है. 129 ठो आम, एक और आम, 130 ठो आम, 130 इंटू 4 520 क्यों ना होगा, इंटू 5 प्लस 5 10 टाइम्स 20 देखिए 5200 तो हाफ हो गया 2605. यस सही है, ठीक है आगे बढ़े. अगला जो क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. स्लोप बहुत कम है, प्लस माइनस में होगा, यहां क्वेश्चन मार्क है पता नहीं, थोड़ा देखते हैं कहां से करें, यहां से करते हैं देखिए प्लस 21, तो अभी हमें कुछ मालूम नहीं है. 28 अभी भी हमें कुछ मालूम नहीं है, और ये वाला देखिए तो प्लस 33 प्लस 35 है ना, प्लस 35 जो है 3 है और 38 तो ये क्या है, ये 7 का टेबल है. 7 3 जा 4 जा 5 जा, यानी कि यहां होना चाहिए 14 और यहां होना चाहिए 7, सो दैट 2040 और यस 54, तो ये आंसर है. सीरीज सारे बहुत शानदार है. अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है. स्लोप तो बहुत कम है, प्लस माइनस में छुपा होगा. देखिए 520 है तो प्लस 12 है, और यहां पर माइनस 24 है, और यहां पर प्लस 36 है, तो ये माइनस 48 होगा, यानी 496 और प्लस 16. लगता है ये क्वेश्चन हमने बनाया था इसके पहले. अच्छा ठीक है ये समझ गए. आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की देखिए क्या है. 302 142 ऐसे, और ये माइनस भी है, तो ऐसा कैसे होगा, जरा देखिए तो कितने का डिफरेंस है. 160 लेस हो रहा है. ये माइनस कहता है कि लेस होना चाहिए, माइनस में रूल होना चाहिए. और ये देखिए तो माइनस 80, ये देख करके एक बात लग रही है, हालांकि क्वेश्चन मार्क यहीं पर है, एक बात लग रही है. माइनस 160 माइनस 80 तो क्या माइनस 40 है, तो क्या माइनस 20 है, तो क्या माइनस 10 है. यस है, रूल इज कंफर्म. इसका मतलब ये है कि 22 होगा, ताकि ये माइनस 20 होने से ये 4 है ना. नेक्स्ट अगला सवाल 11th नंबर देखिए, इसमें डेसिमल है, अप्स डाउन्स हैं, कुछ देखिए किस तरह से है. यहां 14 यहां 8 यहां 9, यहां पर मन करता है डबल करते हैं, मन करता है अप्स डाउन्स है ना, इसीलिए प्लस 1, वहां तो मन किया था डबल कर देने, और यहां पर क्या मन किया बताइए, तो यहां पर हाफ कर दें तो प्लस 1. देखिए आगे लगातार इंक्रीजिंग था, डेसिमल भी था,
ये मीन स्लोप का मामला है, स्लोप में 0.5 है, इनटू 1 है, इनटू 1.5 है, इनटू 2 है, इनटू 2.5 है, ये भी बताता है और ये भी बताता है क्योंकि इसके बाद लगातार इंक्रीज हो रहा है प्लस 1। देखिए 13.5 प्लस 1, तो ऐसे नहीं करते। अच्छा ऐसे भी करते हैं तो क्या है, 25 × 3 = 75 बोलेंगे प्लस 1 यानी कि 76 आंसर बोलेंगे ना, बोलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है, प्लस 2 ओके, यहां पर माइनस है -5, यहां पर प्लस 10। अच्छा तो मालूम नहीं, तो हमको आगे देखना होगा प्लस 3 प्लस 5 और यहां से कुछ तो है 3, 5, 7, 9 करके जा रहा है या फिर प्राइम जा रहा है, प्राइम होने का ज्यादा चांस होता है और हम चेक भी कर सकते हैं। तो प्लस 7 अगर हम दें तो प्लस 17 होगा, तो ये 7 तो देंगे ही देंगे चाहे प्राइम हो चाहे कुछ भी हो, तो ये क्या हुआ इज इक्वल टू क्या हुआ, इज इक्वल टू क्या हुआ 145। यहीं के बाद दो धाराएं हैं, 9 है कि 11 है, चलिए हम लोग 11 लेके बात करते हैं, प्राइम मान के बात करते हैं, तो यहां पर 28 होना चाहिए और यस इट इज राइट, तो आंसर इज 145। ठीक है क्लियर, किस तरह से जा रहा है 77, 85, 69, 101। देखिए देखिए आप स्टम्स हैं, पूछते हैं प्लस 8, रूल में नहीं पता पर ऐसे ही जाएगा, 70 पर खड़े होइए तो 70 पर, तो ये 16 माइनस 16 देखिए देखिए। अच्छा आगे 32 यस रूल इज कंफर्म 8, 16, 32 तो माइनस 64 होना चाहिए यानी कि 37 यस यानी कि प्लस 128 होना चाहिए, डबल होता गया है जल्दी बोलिए यानी कि 165 आंसर होगा ना, बोलिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन में छुपा है, टाइम्स नहीं हो रहा है, तो यहां पर प्लस 9 है, यहां पर क्या है 30 पर खड़े हो जाइए तो प्लस 25, यहां देखिए 49 यस रूल इज कंफर्म प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यहां पर क्या 3, 5, 7 है, तो क्या यहां पर 9 स्क्वायर है, 81 है, देखते हैं तो है, इसका मतलब आगे 11 स्क्वायर होना चाहिए, 121 होना चाहिए, 305। ठीक है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए नंबर सीरीज का, नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 7, 8, 18, 57 इस तरह से है, तो ये तो बता रहा है स्लोप मैक्सिमम है, इससे तो पता चल रहा, तो मन कर रहा है यहां पर इनटू 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, यस रूल इज क्लियर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 × 4 + 4 = 57 ऐसे कीजिए ना, 4 × 50 तो 200 होता है, और ये 5 × देखिए 8 × 4 बोलेंगे 32 यानी क्या बोलेंगे 232। नहीं समझे छोड़िए, 57 का डबल, 114 का डबल, 228 + 4 = 232, हमने कहा 50 को अलग कर लीजिए, इंटू 5
प्लस 5, 10 होने से समझ रहे ना, 1160 और ये 5, तो यस, ये 15 क्वेश्चंस डिफरेंट सेट्स के थे। अब हम लोग क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 पर पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्शंस हैं, ईच क्वेश्चन बिलो कंटेन्स ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, फाइंड बोथ टू फाइंड द रिलेशनशिप अमंग देम, मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड बोथ, क्यों निकाले दोनों, हमें तो रिलेशनशिप निकालना है, हो सकता है कभी निकालने में बड़ी दिक्कत हो, रिलेशन दिखाई दी, इस ख्याल से भी अलर्ट रहिएगा। ट्रांसलेशन करने का मौका नहीं मिला इसलिए इंग्लिश में ही है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, फाइंड द डिस्टेंस, ओके फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालना है, इफ क्वांटिटी 1 दिया हुआ है, फिर क्वांटिटी 2 दिया हुआ है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस निकालने हैं और कंपेयर करना है, अगर निकालने में दिक्कत होगी तो फिर हम लोग कंपेयर ही करने पर सोचेंगे। क्वांटिटी 1 का यहां तक सवाल है, ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस इन 15 आवर्स, ओके ही कवर्स फर्स्ट हाफ एट 12 किलोमीटर पर आवर, सेकंड हाफ एट 15 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इक्वल हो तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टू एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, इतना किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड हुआ पूरी जर्नी में, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 15 आवर्स, यही ना डिस्टेंस हुआ। 27 में 3, 3, 3 यानी 5, 4, 5, 3 कैंसिल कर दिया, 25 इंटू 400 हुआ तो ये 200 हुआ कि नहीं, क्वांटिटी 1 200 किलोमीटर कहता है, अगर निकालने में दिक्कत होती तो मैं नहीं निकालता, लेकिन इजी है, 200 दिखाई दे रहा है तो फिर चले। आगे क्या है, टू बसेस मूव्स, क्वांटिटी 2 देखिए, टू बसेस मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 30 and 40 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, ओके, व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट द फास्टर बस कवर्स 30 किलोमीटर मोर देन स्लो वन, जब दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे से 30 किलोमीटर ज्यादा तय करता है, यानी रिलेटिव स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 30 by 10 यानी 3 hours, दोनों ट्रेनें 3 hours के बाद मिल जाएंगी, तो टोटल डिस्टेंस होगा 30 plus 40, 70 किलोमीटर पर आवर इनटू 3 hours, तो ये 210 किलोमीटर हुआ। क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, दिस इज आंसर, ये 200 है और वो 210 है, बोलिए आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं, सो आंसर इज सी, ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन है इसके मुताबिक आंसर इज सी, ठीक है, आगे बढ़े अगला सवाल, सेव भी करते चलते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम, ओके क्वेश्चन है फाइंड द सम, इफ क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू समथिंग एंड क्वांटिटी 2 समथिंग, यानी दोनों ही कंडीशन में हमें प्रिंसिपल निकालने हैं, तो फर्स्ट का जहां तक सवाल है, क्वांटिटी 1 का जहां तक सवाल है, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज रुपीज 1320, हम जानते हैं कि 20% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट 20, 24, 44% होता है, कुछ करना नहीं, हम जानते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 44% है, दैट इज इक्विवेलेंट टू रुपीज गिवन 1320, तो 100% यानी प्रिंसिपल जो है 100% क्या, प्रिंसिपल निकालना था, कहा गया था
देखिए तो 3 times 132 होता है और ये जीरो है, इसका मतलब इनटू 30 यानी कि रुपीज 3000। ये हमारा क्वांटिटी वन है जो निकला है ना। मैं बताता हूं सेकंड, इफ द अमाउंट ऑन अ सम फॉर 2 years इज रुपीज 2880, ये अमाउंट है मिश्र धन, अच्छा, इन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सच दैट इट मेक्स ए सम ऑफ रुपीज 125 टू अमाउंट टू रुपीज 216 इन 3 years। जबरदस्त शानदार सवाल है, ऊपर रेट डी दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है आफ्टर 2 years अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए ठीक है अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट है ठीक है। तो आप जरा सोचिए कि 125 अगर 216 होता है इसका मायने क्या है, इसका मायने क्या है, 216 होता है, 216 होता है 125, तो अमाउंट जो है इसका कितना पार्ट है और ये 3 years में होता है तो क्यूब रूट करेंगे ना तो पता चलेगा 1 year में क्या, 1 year में 6 by 5 को 120% लिख सकते हैं इन 1 year, सो द रेट इज 20% पर एनम। बेहद शानदार सवाल है, 3 years में इतना होता है तो कितना टाइम्स है, अमाउंट कितना टाइम्स है, 3 years में है तो 1 year में कितना, 1 year, और 20% का रेट है तो 2 years में हम जानते हैं कि 44% कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो 144% is equivalent to rupees 2880, what is 100%, बताइए, just double यहां तक और ये जीरो यानी कि 2000। हम लोग देख रहे हैं क्लियरली क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, जरा देखिए बढ़िया से यह है कि नहीं। इसमें भी उसी तरह से क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, इसका मतलब आंसर इज ए, ये वाला ठीक है। ये शानदार सवाल था, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ठीक है। क्वांटिटी 1 कुछ कहा गया, क्वांटिटी 2 इसमें भी कुछ कहा गया, फिर रिलेशन है तो आइए क्वांटिटी 1 क्या है, सेलिंग प्राइस, और क्वांटिटी 2 क्या है, वो भी सेलिंग प्राइस। यानी कहने का मतलब यह है कि क्वांटिटी 1 पहले बात कर लेते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 24,000 एंड प्रॉफिट इज 20%, तब तो हम लोग बोलेंगे 24,000 है और 20% कितना होगा 4800 है, जल्दी बोलिए। तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये 28,800 रुपीज है, बताइए, ये तो क्लियर है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है और ये सेलिंग प्राइस है, तो फर्स्ट तो क्लियर है। सेकंड सेलिंग प्राइस, देखिए सेकंड जो क्वांटिटी है सेलिंग प्राइस, ओके, इफ कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 24,000 and shopkeeper gained 16 and 2 by 3% after giving a discount of 25%, jo mark price hai us par 25% ka discount dete hain to sell karte hain to jo profit hota hai wo 16 and 2 by 3% hai, kya zarurat hai mark price aur discount ka, nahi samjhe।
मैं ये कहता हूं कि ये मार्क प्राइस है और यहां से 25% डिस्काउंट देते हैं, देते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। अरे मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि 1/6 16 and 2/3% का मतलब 1/6 प्रॉफिट है। साफ लिख देता हूं, 1/6 प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमें पता ही है, हमें पता ही है कि ये रुपीज 24,000 है और 1/6 4,000 प्रॉफिट जो है 4,000 क्यों ना ऐड कर दें तो ये 28,000 क्यों ना हो जाए। मतलब हमको मार्क प्राइस से कुछ लेना ही देना नहीं है। मैंने समझाने के लिए आपको बताया, जरूरत नहीं था, यहीं पर समझ में आ रहा है 1/6 4,000 है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। बोले ये देख रहे हैं ना, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर 1A। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्वांटिटी 1 वॉल्यूम, क्वांटिटी 2 वॉल्यूम। इफ डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 14 cm लिखा हुआ है और यहां पर साइड ऑफ ए क्यूब इज 8 cm। देखिए बताता हूं, क्वांटिटी 1 जो है डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हुआ 7, तो 4/3 वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई 22/7 7 क्यूब यानी 7 × 7 × 7 यही है। और क्वांटिटी 2 की अगर हम बात करें तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो 8 का क्यूब निकलेगा। जल्दी बोलिए, अब ऐसा है कि ये तो ठीक है हम लोग कर लेते हैं, अब कौन इतना मल्टीप्लाई करे, जरूरत क्या है, कंपैरिजन करना है। मैं बताता हूं ये 8 × 7 × 7 है, बाय 3 है, यहां 8 × 8 × 8 है। मुझे ये बताइए और 11 है यहां पर, ये 8 किए थे और 11 किए थे, ठीक है, ये है तो 11 से मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता है, 3 उधर भेज देते, ये 49 हुआ, 49 का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं ना, 9 3 5 जल्दी बोलिए, ये 49 जो है इसको 11 से मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं ना, 9 3 5 ये वाला ये आराम से जानते हैं। और 3 से आप 64 को करेंगे तो क्या होगा, 64 × 3 तो बहुत आसानी से पता है कि ये कम है। देखिए 180 और 12 192 है, क्यों वैल्यू निकालने जाए बताइए, हमें तो जस्ट कंपेयर करना है, जस्ट कंपेयर करना है। सो देखते हैं, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, 1 इज ग्रेटर देन 2 यानी ए इज आंसर। क्लियर, उसके बाद आइए अगला सवाल, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर B is thrice as efficient as C. बहुत शानदार सवाल है, पहला लाइन तो बहुत क्लियर है, thrice efficient है तो आगे जाने का मन भी नहीं कर रहा, लिखने का मन कर रहा है कि इफिशियंसी जो है 3:1 है, इफिशियंसी ये लिखा है। B and C can complete a work together in 45/2 days. तो हम तुरंत बता सकते हैं टोटल वर्क क्या है, तो कहीं भी आगे बढ़ने के पहले मन करता है कि हम इसको मान लें कि 3 units per day 1 unit per day और B और C मिलके यानी कि टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क निकाल ही लेते हैं, 3 + 1 4 × 45/2 यानी कि 90 units टोटल हम लोग
निकाल लेते हैं 90 यूनिट, यानी कि बी इस वॉक को कर सकता है कितने दिनों में, 30 डेज में, और सी कर सकता है 90 डेज में। इतनी चीजें हमारे पास है। ए टेक्स 50% मोर डेज देन द डेज टेकन बाई ए एंड बी टू कंप्लीट द सेम वॉक टूगेदर। ये ए एंड बी कह दिया, अरे बी एंड सी ने कहना चाहिए था, अब ए एंड बी का क्या करें? सुनिए इसको रहने दीजिए, ए है बी है, और ए जो है और ए प्लस बी के साथ कहा जा रहा है क्या है, टाइम, टाइम टाइम जो है इसको 50% ज्यादा लगता है, अकेला है तो ज्यादा लगेगा। तो मान लीजिए कि इसको 100 तो इसको 150, इसको 2 लगता है तो इसको 3 लगता है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हुआ, 2:3। तो ए का 2 है, ए प्लस बी का 3 है, तो क्या ए का 1 ना हुआ? यानी अब हम ए को भी यहीं पर लिख दे सकते हैं कि ए के साथ बी सी में हमारे पास बी का मालूम, हाँ ए का है ना, ए बी, देखिए ए ए है तो बी हुआ यहां पर, देखिए यहां पर बी का निकला, बी का 1 ना हुआ, जल्दी बोलिए, रेशियो ए 2 है, ए प्लस बी 3 है, तो बी का 1 हुआ। अब जरा देखिए ए और बी में क्या है, बी और ए का क्या है, बी का डबल इफिशियंसी है, इफिशियंसी, और हम लोगों को क्या बी का मालूम है, तो हम लोग यहां पर ए का निकाल सकते हैं कि बी का डबल इफिशियंसी है, बी का 3 है, तो ए का क्या हुआ, 6 यूनिट्स पर डे। क्लियर? अब जो कह ले, जो निकालने के लिए कह दे, ठीक है। हाँ, निकालने के लिए कहा, अभी तक तो सारा कुछ इंफॉर्मेशन था, निकालना तो अब आगे है, इन इंफॉर्मेशन को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, जिसमें हम जानते हैं कि टोटल वॉक क्या है और ये क्या है। अगले पेज में लिखते हैं, ठीक है, 3:1, और इसको पहले लिख देंगे 6 और 3:1, ठीक है। अगले पेज में लिखते हैं ए बी और सी, ये 6 यूनिट पर डे, बी कितना था, बी था 3 यूनिट पर डे और 1 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे और ये 1 यूनिट पर डे, ये था टोटल वॉक क्या था, टोटल वॉक क्या था, 90 यूनिट्स। और इवन डेज के रूप में भी हम जानते हैं, ये 15 डेज है और ये 3 से 30 डेज है और ये 90 डेज है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 में क्या है। तो क्वांटिटी 1, अभी तक हमने देखा भी नहीं कि क्या है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय फास्टेस्ट अमंग देम टू कंप्लीट द वर्क अलोन, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा हो या जो सबसे कम समय लेता हो, यानी 15 डेज। ये क्या हुआ, नंबर ऑफ डेज क्या हुआ, 15 डेज, जो सबसे फास्ट करता है, तो क्वांटिटी 1 का वैल्यू हुआ 15 डेज। और क्वांटिटी 2 है टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। क्वांटिटी 2 कहता है कि ए एंड सी, E प्लस सी जो है वो 90 यूनिट्स को ए एंड सी, ए एंड सी जो है ये 90 यूनिट्स को, देखिए ए एंड सी 7 यूनिट्स के हिसाब से, यूनिट्स पर डे के हिसाब से, तो हम लोग देख रहे हैं क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 2 निकालने जाए, 115 इज ग्रेटर देन 90/7, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, बोलिए तो 1 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि ए आंसर। बोलिए समझ में आया? इसमें हमने यहां तक किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस भी करने हैं, लेकिन उसको अगले वीडियो में देखते हैं,
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जल्दी आप तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए यहां तक पहले मैं आपको देता हूं, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।